अलीगढ़ जनपद में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग लगातार गंदगी वाले इलाकों में फॉगन करा रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन डेंगू को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्राइवेट लैब संच लिको पर लगातार छापेमारी कर रहा है। डेंगू मरीजों की अगर माने तो सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट कराने के बाद उन्हें मलेरिया की रिपोर्ट थमा दी जाती है, वहीं जब मरीज प्राइवेट लैब पर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट में डेंगू का मामला सामने आता है। ताज़ा मामला अलीगढ़ के पूर्व एमएलसी विवेक बंसल से जुड़ा है। उनका कहना है सरकारी अस्पताल में उन्हें मलेरिया की रिपोर्ट दी गई, जबकि प्राइवेट लैब में टेस्टिंग कराई गई तो रिपोर्ट में डेंगू आया, जिसके बाद उन्हें सेमी आईसीयू में एडमिट कराया गया। उनकी हालत में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामले को दबाने का क्यों प्रयास कर रहा है? क्या डेंगू के नाम पर जिला प्रशासन कोई खेल खेल रहा है? देखिए, विगत कई दिनों से जो है ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, ये लोगों में पाई जा रही है। और इसका सिर्फ यह कारण नहीं है कि हम लोग जागरूक नहीं है, इसका कारण ये भी है कि जो प्रदेश सरकार है उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ही ठप हैं। और जिस प्रकार से अलीगढ़ में देखा जा सकता है कि बहुत सी ऐसी खून जाँच की लैबें हैं जहाँ पर ये लोग ऑथराइज नहीं है कि वो डेंगू की जाँच कर सकें, और डेंगू की जाँच सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो सकती है, और सरकारी अस्पताल वाले डेंगू की बजाय मलेरिया की रिपोर्ट जो है हाथ में थमा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और दुखद है। तो ये प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो प्रदेश सरकार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर वो कैसे ध्यान दे सकती है। अभी आपने 2 साल पहले देखा था कि गोरखपुर में जहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं ही रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जो है 125 बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन ना होने के कारण, क्योंकि बहुत समस्याएं ऐसी हैं कि ये लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।